रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत ठीक नहीं है। वे फिलहाल लिक्विड डाइट के भरोसे हैं। दांत उखड़वाने के बाद उनके चेहरे पर सूजन भी है। अस्पताल के पेइंग वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराए गए लालू पहले के मुकाबले थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। वे अभी कम बोल रहे हैं। बताया गया है कि लालू प्रसाद बीते एक हफ्ते से संतुलित आहार नहीं मिलने से थोड़े कमजोर भी दिख रहे हैं। लालू अपने सेवादारों से कम बातचीत कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इशारों का सहारा ले रहे हैं। रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू अभी तरोताजा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दांत उखड़ जाने की वजह से लालू के चेहरे पर सूजन, उन्हें डेंटल डॉक्टरों ने एक हफ्ते तक नरम भोजन लेने की सलाह दी है। लालू की पाचन क्रिया भी प्रभावित हुई है। बताया गया कि लालू प्रसाद बीते एक हफ्ते से संतुलित आहार नहीं मिलने से थोड़े कमजोर भी दिख रहे हैं। रिम्स में राघोपुर के पूर्व राजद विधायक उदय नारायण राय और लालू परिवार के करीबी नेत्र सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि लालू के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। लालू प्रसाद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्थकों ने पेइंग वार्ड के बाहर लालू चालीसा का पाठ किया। सबने अपने नेता के जेल से निकलने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट।